तो ये है बालाजी का सेकंड ब्लॉग। अगर आपने फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। तो चलिए सेकंड ब्लॉग में बढ़ते हैं। अभी हम चढ़ाई चढ़ने आ गए हैं। ओ बाप रे, ओ रे बाप रे, हम यहाँ कब आते थे? खाना खाने ढाबा है, चढ़ाई आ गई है। ये दी चढ़ाई, क्या दीदी बड़ा बकरे दिखा रहे हो आज, मजाक कर दी। कैमल, ऊंट, ये है फोटो शूट एरिया। यहाँ पे आप राजस्थानी कपड़े पहन के फोटो शूट करा सकते हैं। लोग कर भी रहे हैं। कैमल, हॉर्स, कितना क्यूट लग रही है तू, लेकिन वही दूर ही रह। घाघरा, हाय क्यूट कैमल। अब ये आ गई है चढ़ाई, अब बजेगी बैंड। चलो चलो चलो, हाँ मैं खिंचा रही हूँ फोन से। नहीं भाई, ये है चढ़ाई भैया, हमारी परछाई दिख रही होगी चढ़ते हुए। ये देखो कैसे अब स्पीड निकल गई मधु दीदी की। हरियाली, अरे राम से, कितना अच्छा व्यूज है। ओ भाई कितने सारे लोग आ रहे और कितने सारे लोग जा रहे चढ़ाई चढ़ के। ये मेरी परछाई है। मैं फोन मत खा रही हूँ, कैमरा ध्यान नहीं दिया। तो गाइज ये है फोटो शूट एरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था। तो आप यहाँ पे फोटो खिंचा भी सकते हैं और लहंगे यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। तो ये है यहाँ का नज़ारा। अगर आप बालाजी नहीं आए तो एक बार आप ज़रूर आइए, आपका मन तन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, खुशी के मारे आप झूमोगे। एक बार आप ज़रूर आइए, यहाँ पर बहुत ही मज़ा आएगा। ये है यहाँ पर प्रसाद वगैरह भी है, जैसे कि गाइज आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ पर कई बहुत बहुत सारी मंदिरें आएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। और गाइज यहाँ पे खाने वगैरह का भी लगा, जैसे चढ़ाई चढ़ते अगर आपको भूख लग जाती तो आप कुछ खा पी भी सकते हैं। यहाँ पे सिंदूर वगैरह भी है तो आप ले सकते हैं, यहाँ से ले जाना मना नहीं है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं यहाँ से सामान खरीद के ले जाना मना है, बट यहाँ पर मना नहीं है। ये है बालाजी का नज़ारा, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही मस्त नज़ारा है, एक बार आप ज़रूर आइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैगी भी खाने को मिलती है। तो ये देखिए, ये फोटो शूट एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे चल के फ़ोटो खिंचाने को जगह आएगा। तो ये बहुत अच्छा जगह है फ़ोटो खिंचाने का, जैसे कि आपने देखा मैं खिंचा रही थी। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था आगे चल के भी एक मंदिर आएगी, तो ये रही वो मंदिर। यहाँ पर बहुत सारी मंदिर आएंगी रास्ते में और बहुत ही सारा फ़ोटो शूट एरिया आएगा। ये देखिए, आपको एक लाइन से फ़ोटो शूट एरिया, आप यहाँ पर लहंगे खरीद भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बच्चों के लिए खाने का भी मिल जाएगा, मुरमुरा टाइप भी आपने देखा होगा ब्लॉग में,
तो चलिए चलते रहते हैं। अगर आप थक जाएं तो आप बैठ सकते हैं, बैठने की भी जगह है। तो ये रहा फिर से फोटोशूट एरिया आ गया। मैंने गाइस खिंचवाया था, ज़्यादा नहीं, 60 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये ऐसे ही लगेंगे यहाँ पे फ़ोटो खींचने का। तो वो फ़ोटो खींच के हाथों हाथ फ़ोटो निकाल के दे देते हैं। तो मैंने भी खिंचाया है, आपको देखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दिखा सकती हूँ कमेंट बॉक्स में। तो चलो चलते हैं गाइस। यहाँ पे गन्ने का जूस भी मिलता है। तो गाइस पहाड़ी चढ़ते चढ़ते मैं आ पहुँची हूँ दुर्गा माता मंदिर। मैं मथा देख रही हूँ, तो दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली तीन पहाड़ी मंदिर पहुँच चुकी हूँ, जो कि पुराना मंदिर है अंजनी माता मंदिर। तो आपको नया मंदिर भी दिखाऊंगी, नया अंजनी माता मंदिर भी बना है, वो बहुत ही सुंदर बना है। तो चलिए पहले यहाँ के अंजनी माता मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए, दर्शन करने के बाद खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। भूख लगी थी, मूंग दाल के पकौड़े। तो गाइस दर्शन कर ली हूँ, दर्शन करने के बाद नाश्ता भी कर ली हूँ। तो हम चलते हैं नए वाले अंजनी माता के मंदिर। तो गाइस जितना चढ़ने में टाइम लगा था हमें, उतना शायद उतरने में टाइम ना लगे। तो चलिए अब हम फटाफट उतरते हैं और चलते हैं अंजनी माता के मंदिर, जो नया बना है अभी। तो गाइस हम यहाँ आएंगे बालाजी, तो यहाँ पे आपको राम मंदिर भी दिखेगा। राम मंदिर भी बन रहा है, जो कि हमने देखा है, ज़्यादा अभी काम चल रहा है बट बन गया है लगभग। अब जब नेक्स्ट ईयर आऊँगी तो आपको पूरा दिखाऊँगी राम मंदिर की वीडियो। तो हम सीढ़ी उतर रहे हैं गाइस। आप यहाँ पे इन जालियों में मौली वगैरह बांध सकते हैं, पता नहीं बहुत लोग बांधते, मैंने देखा बांधते हुए बट। तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा रील वगैरह शूट कर लेते हैं। इंस्टाग्राम का रील इंस्टाग्राम पे भी डालना है मेरे को, तो यहाँ पे रील वगैरह शूट कर रही हूँ मैं। तो थोड़ा ब्लॉग के साथ साथ इंटरेस्ट मस्ती भी करना ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ के नज़ारे कितने सुंदर है, आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो ब्लॉगर है वो तो ज़रूर ही आए यहाँ पे, जो ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं, जो रील वगैरह बनाते हैं, वो यहाँ पे ज़रूर आए, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर। तो चलो चलते हैं नीचे की ओर, इतना पागलपंती कर रही हूँ ना मैं, लोग दिख दिख के हंसेंगे मेरे को। तो चलो चलते हैं नीचे की ओर। तो गाइस फाइनली मैं नीचे पहुंच गई हूँ। मेरे जो घर वाले हैं वो लोग अभी तक नीचे नहीं पहुंचे। मेरी स्पीड इतनी तेज़ है कि मैं नीचे पहुंच गई, जहाँ से ब्लॉग स्टार्ट की थी वहाँ पे पहुंच गई। ये है फ़ोटो शूट एरिया, ये है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा घोड़ा ऊँट आपको दिखा होगा ब्लॉग में। तो ये रहा घोड़ा, हमारा दोस्त बन गया है। तो चलिए अब हम नीचे पहुँच गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं नए वाले नए वाले अंजनी माता मंदिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नया अंजनी माता मंदिर बना है, वहाँ बहुत ही अच्छा बना है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिंग वगैरह, जैसे कि अगर किसी की अच्छी होगा तो आप खरीद सकते हैं, मैं अपने लिए खरीद रही हूँ, एक दो रिंग अंदर खाली है ना। तो अब हम जा रहे हैं नए वाले अंजनी माता मंदिर। ऑटो का किराया है एक बंदे का 10 रुपये। तो आप फैमिली के हिसाब से किराया दे सकते हैं, वो जाने आने का ले जाएगा। तो फाइनली हम अंजनी माता मंदिर पहुंच गए हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह बना है नया वाला अंजनी माता मंदिर। तो अब हम एंट्री हो गई हमारी, हम जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ने। तो बनी रही हमारे ब्लॉग में।
तो आपको ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं, है ना। मंदिर माता जी देवी मुक्ति धाम, ये वो ताड़का लग रही है, ये ताड़का जैसे लग रही है ना। हनुमान जी की कितनी बिग मूर्ति है, राम जी हनुमान जी तो कितने बिग हनुमान जी। हम गुफा के अंदर आ गए, अभी हम आ रहे गुफा के अंदर। कम ये आगे चुन्नी कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे अभी आने वाली हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति, तो ये है अंजनी माता का नया मंदिर, जैसा कि मैंने आपको आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये रहा हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति, यहाँ पे सब फोटो खिंचा रहे हैं, मैं भी आई थी खिंचाने बट मैं खिंचाई नहीं। ये रही हनुमान जी की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति है। यहाँ पे आप फोटोशूट वगैरह भी कर सकते हैं, रील वगैरह भी बना सकते हैं। अभी मैं आगे रील बनाऊंगी, थोड़ा अच्छा जगह आएगा वहाँ पे मैं रील बनाऊंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आ गया है हनुमान जी, यहाँ पे बंदरे हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी है अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चार बंदरे यहाँ पे बैठे हैं। तो अब हमारा बालाजी का घूमना खत्म, अब हम जा रहे हैं वृंदावन। बालाजी घूम के बहुत मज़ा आया, अच्छे से दर्शन भी हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो फुल सपोर्ट कीजिए। चलो अब वृंदावन का टूर करते हैं।